नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। रोहनिया वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा रविवार को दिन में ट्रांसपोर्ट नगर योजना हेतु अधिग्रहित बैरवन व करना डारी गांव में पुलिस सुरक्षा के बीच उप जिलाधिकारी राजा तालाब गिरीश कुमार द्विवेदी व विकास प्राधिकरण के सचिव सुनील वर्मा एवं परमानंद यादव सहित विकास प्राधिकरण की टीम ने 16 मई को सीमांकन किए गए क्षेत्र के बीच में आम के बगीचे के उत्तरी व दक्षिणी छोर पर बल्ली गाड़कर टेन सेट का अस्थायी रूम बनाया गया व जेसीबी द्वारा सड़क निर्माण हेतु जमीन की समतलीकरण किया गया, जिसकी सूचना पाकर कुछ पीड़ित किसानों ने सीमांकन स्थल पर पहुंचकर अधिकारियों के बीच विरोध जताया, जिसके दौरान बैरवन स्थित पंचायत भवन पर पीड़ित किसानों द्वारा चल रहे बेमियादी धरना पर बैठे किसान व विभिन्न राजनीतिक दलों सहित मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक विनय शंकर राय मुन्ना ने विरोध करते हुए कहा कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारी माननीय न्यायालय व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, जिसको लेकर धरने पर बैठे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतृत्व में 7 आक्रोशित किसानों ने विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों के साथ कर रहे अन्याय के खिलाफ आज सोमवार को करना डाड़ी व बैरवन गांव में हो रहे सीमांकन स्थल पर पहुंचकर विरोध करेंगे। न्यूज लाइन भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।